हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हो भव्यस ऑर्गेनिक गार्डन। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना। भुरभुरी दानेदार ऑर्गेनिक गुणों से भरपूर है ये कंपोस्ट। इस कंपोस्ट में सभी तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, तांबा, लोहा और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो भी प्लांट को चाहिए होते हैं वो सब इस कंपोस्ट में आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। इस कंपोस्ट को हम अपने घर में ही किचन से निकलने वाले वेस्ट जैसे कि फल और सब्जियों के छिलकों से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इस कंपोस्ट को किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बोलते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड है, जिसको कि आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन कुछ व्यूवर्स के कॉमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें और ज़्यादा और आसान शब्दों में समझाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंपोस्टिंग में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, और साथ ही मैंने ये कंपोस्ट कैसे तैयार किया, इस कंपोस्ट को बनाने के लिए मैंने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो भी सभी इसी वीडियो में दिखाया हुआ है। और उसके अलावा मैंने और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें इस वीडियो में बताई हुई हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का बटन है वो दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने का तरीका। किचन वेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ऐसी प्लास्टिक की बोरी। मैं हमेशा ही दो बोरियों का इस्तेमाल करता हूँ कंपोस्ट बनाने के लिए। इन बोरियों की मदद से मैं बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी कंपोस्ट बना लेता हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बोरी प्लास्टिक की लेनी है, कोई जूट की बोरी नहीं लेनी है, क्योंकि जूट की बोरी आपकी कंपोस्ट बनने से पहले खुद ही डिकम्पोज होकर गल जाती है, इसलिए हमें यह प्लास्टिक की बोरी ही इस्तेमाल करनी है। तो आज कंपोस्टिंग का हमारा पहला दिन है, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल है। कुछ हमें ड्राई वेस्ट चाहिए और कुछ हमें ग्रीन वेस्ट चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमें ड्राई और ग्रीन वेस्ट दोनों का इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे हमारी कंपोस्ट बननी शुरू हो जाएगी तब हमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास जो भी मटेरियल होगा वो हम डालते जाएंगे। ड्राई वेस्ट के इस्तेमाल में आप कोई भी सूखी हुई चीज़ जैसे कि सब्जियों के छिलके, ये सूख जाते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कार्डबोर्ड जो कि गत्ते के टुकड़े होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन वेस्ट के इस्तेमाल में आप सब्जियों के छिलके, जितने भी हरे हरे छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके, आप सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज पहला दिन है कंपोस्टिंग का, तो नीचे नीचे मैं ये जो ड्राई वेस्ट के रूप में निकलने वाले ये जो गत्ते हैं इनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप ध्यान रखिए कि गत्तों के ऊपर जो भी प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी होती है उनको ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो गए और आपकी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को भी स्लो कर देंगे। तो नीचे हमने ड्राई वेस्ट डालना है, ऊपर ग्रीन वेस्ट ये डाल देंगे। ये मेरे पास कुछ मेथी के छिलके हैं तो इनको मैं ग्रीन वेस्ट के इस्तेमाल रूप में इस्तेमाल करूँगा। मैं ये साबुत ही डाल रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करिए कि जितना छोटा हो सके आप उतने छोटे टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि वेस्ट आपका जितना छोटा होगा उतना ही आसानी से डिकम्पोज होगा। लेकिन कंपोस्ट बनाते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जितनी भी पकी हुई चीज़ है, जैसे हम सब्जी उबाल लेते हैं उसको खा जाते हैं, जो कुछ सब्जी बच जाती है वो हमें इस कंपोस्ट में नहीं डालनी है। हमें चिकन वगैरह भी इस कंपोस्ट में नहीं डालना है, नहीं तो वो डिकम्पोज भी नहीं होगे और बहुत गंदी स्मेल भी आएगी और साथ में कीड़े वगैरह भी बन जाएंगे। तो आज कंपोस्टिंग का पहला दिन है तो हमें कंपोस्टिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ये हाफ डिकम्पोस्ट मटेरियल है, ये मटेरियल कैसे आपको मिलेगा इसका भी मैंने वीडियो के लास्ट में बताया हुआ है, तो आप वीडियो पूरी देखते रहिए। अगर आपके पास ये हाफ डिकम्पोस्ट मटेरियल नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या आपके पास पहले ही कुछ किचन वेस्ट कंपोस्ट पड़ी है। ये सब भी आपके पास नहीं है तो आप अपने गार्डन से निकलने वाली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मिट्टी भी
उसमें भी ये कंपोस्ट बनाने वाले न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि कंपोस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो पहले दिन हमने नीचे ड्राई वेस्ट डाला है, ऊपर ग्रीन वेस्ट डाला है और ऊपर हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल डाल के इसमें फुल पानी दे दिया है ताकि जो ये कंपोस्ट जो हमारा किचन वेस्ट था वो सारा गीला हो जाए। और उसके बाद हम इस थैले को बंद करके ऊपर से किसी पत्थर या किसी ईंट से दबाव दे देंगे। तो ये हमारा पहले दिन का प्रोसेस था। कंपोस्टिंग का आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम अपने थैले को खोलेंगे और आज दूसरे दिन भी मेरे पास कुछ ग्रीन वेस्ट पड़ा हुआ है, मैं उनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ग्रीन वेस्ट के रूप में मेरे पास कुछ ये मटर के छिलके हैं, कुछ ये केले के भी छिलके हैं, कुछ प्याज के छिलके हैं और ये आलू हैं। ये सब हम ग्रीन वेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास आज कुछ ड्राई वेस्ट नहीं था तो ड्राई वेस्ट के रूप में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ यही मटर के छिलके। लेकिन मैंने इनको थोड़ा ड्राई कर लिया है, धूप में सुखाने के बाद इनका कलर ब्राउन हो गया तो ये हम ड्राई वेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन वेस्ट या ड्राई वेस्ट नहीं है तो भी आप ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ड्राई वेस्ट डालने के बाद मैं ऊपर ग्रीन वेस्ट डाल के अपने थैले को अच्छे से दबा दबा के भर लूँगा। फाइनली सारा ग्रीन और ड्राई वेस्ट मैंने अपने इस थैले में भर लिया है और अब फिर से एक लेयर में इसके हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल की अपने कंपोस्टर बिन में डाल दूंगा। और हमें कुछ दिनों तक इस बात का ध्यान रखना है, जब तक हमारी कंपोस्टिंग स्टार्ट नहीं होगी तो हमें ये स्टार्टर टाइप का अपने कंपोस्ट बिन में ज़रूर डालते रहना है, क्योंकि जैसे ही माइक्रोब्स इस कंपोस्ट में पैदा हो जाएंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी फिर हमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरे दिन भी हमने ये सारा मटेरियल अपने इस कंपोस्ट बिन में डाल दिया है। तो हमारा ये जो थैला है ये आप देख सकते हैं कि ये आधा भर चुका है। तो दो दिन का मटेरियल था और हमारा थैला आधा भर गया। अब मैं इसके अंदर एक ख़ास चीज़ मिलाने जा रहा हूँ। ये जो आप बाल्टी में देख रहे हो येलो कलर की, यही वो असली चीज़ है जो कि हमारी कंपोस्ट को बहुत ही जल्दी बना देगी। ये है सरसों की खली। ये सरसों की खली को मैंने कुछ दिन पहले पानी में भिगो करके रखा हुआ था। आप 4 या 5 दिन पहले सरसों की खली को पानी में भिगो करके रख दीजिए। ये सरसों की खली की तासीर गर्म होती है। हम जैसे ही कंपोस्ट बिन में डालेंगे तो हमारा जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया वो बहुत फास्ट हो जाएगी और ये जो किचन वेस्ट है उसको बहुत ही जल्दी से गलाना शुरू कर देगा और इसकी वजह से माइक्रोब्स की संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी। तो हमें यही काम करना है। अब दूसरे दिन के बाद ये एक डिब्बा पानी का लेना है सरसों की खली का, उसमें हमने 2 या 3 गुना ज़्यादा पानी मिला देना है। और पानी मिलाने के बाद फिर हम इस सरसों की खली को डिब्बे भर के अपने कंपोस्ट बिन में अच्छी तरह से नहला देंगे। हमें इसके अंदर सरसों की खली इतनी डालनी है कि ये इस थैले के जो सुराख होते हैं उसमें से निकलनी शुरू हो जाए और जितना भी ग्रीन वेस्ट मटेरियल है, जो भी हमने किचन वेस्ट इसमें डाला हुआ है, वो सभी गीला हो जाए। ये सरसों की खली डालने के बाद हम इसको इस थैले को बंद करके और ऊपर से कोई वजनदार ईंट या पत्थर रख के हम इसको छायादार जगह में रखेंगे। ध्यान रखना है कि हमें इसको छायादार जगह में रखना है, हमें इसको धूप में नहीं रखना है, नहीं तो हमारी जो कंपोस्टिंग है वो नहीं हो पाएगी। आज तीसरा दिन है तो तीसरे दिन के बाद हम देखते हैं हमारे जो किचन वेस्ट है उसका क्या हाल है। हमारी किचन वेस्ट लगभग बननी अब शुरू हो चुकी है। तीसरे दिन भी मेरे पास कुछ ये ड्राई वेस्ट और ग्रीन वेस्ट नहीं था तो मैंने ग्रीन वेस्ट के रूप में मेरी ये जो पालक है वो पक चुकी थी, तो वो पालक मैं वैसे भी तोड़ने ही वाला था लेकिन इसका इस्तेमाल अब मैं करूँगा ग्रीन वेस्ट के रूप में। तो इसके मैंने छोटे छोटे ये टुकड़े कर लिए हैं। फिर से वही प्रोसेस चलेगा, नीचे ड्राई वेस्ट और ऊपर ग्रीन वेस्ट हमने डाल के इस थैले को भर लेना है। तो मैंने सारा ग्रीन और ड्राई वेस्ट अपने इस थैले में भर लिया है। मेरे पास कुछ अंडे के छिलके भी थे जो मैंने क्रश करके इसमें डाल दिए हैं। अब ये जो हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल है वो बस मैं आज सारा इसी के अंदर पलट दूंगा और तीसरे दिन के बाद हमें जो है कि हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हमारी कंपोस्ट में माइक्रोब्स बनने शुरू हो गए हैं। सरसों की खली का यही हमारे फ़ायदा होता है
कि हम जब भी डालते हैं तो इसकी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। तो अब हम तीसरे दिन इस थैले को अच्छे से पानी लगा के इसको बंद कर देंगे। तो जो सरसों की खली है वो आपको हर 5 या 6 दिन के बाद ऐसे ही डालते रहना है, इससे आपकी जो कंपोस्ट है वो थोड़ी जल्दी बन जाएगी। तो आज मेरे पास ये जितना भी है वो सारा ग्रीन वेस्ट है, मेरे पास ड्राई वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ गोभी के छिलके, कुछ चुकंदर के छिलके, कुछ पपीते के छिलके, इन सभी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके अपने कंपोस्ट बिन में डाल दिए हैं। आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो पानी वाली चीज़ें होती है, जैसे कि मूली हो गई, गोभी हो गई, चुकंदर हो गया, तरबूज हो गया और ये पपीता हो गया, इन चीज़ों को अगर आप अपने कंपोस्ट बिन में ऐड करोगे तो ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होती हैं, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। सारा सामान ऐड करने के बाद हम अपने इस बोरे को कवर करके रख देंगे ताकि जो कोई भी मक्खी या मच्छर इसमें जाके अपने अंडे ना दे सके। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये बोरा नीचे से काला होना शुरू हो गया है। अगर ये बोरा नीचे से काला हो गया है तो समझ लीजिए कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि जो इसमें से कंपोस्ट टी निकलती है उसको हमने कैसे कलेक्ट करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में कंपोस्ट टी बहुत ही कम निकलती है, या फिर ऐसा कहें कि नहीं निकलती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इस बोरे में बहुत सारे होल हैं, जिस वजह से इस कंपोस्ट को हवा लगती रहती है और जो कंपोस्ट टी है वो जितनी निकलती है वो साथ के साथ सूख करके इसमें कंपोस्ट में ऐड होती रहती है। इस वजह से ये आपकी कंपोस्ट और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। अब जो मेरा पहले वाला थैला था वो भर चुका है, अभी असली काम अब शुरू हुआ है। ये जो दूसरे वाला थैला है अब हमने इसको भरना है, क्योंकि कंपोस्ट के लिए हमेशा मैं 2 थैले ही इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा थैला भरने के लिए कुछ ये बैंगन की पत्तियाँ मैंने हार्वेस्ट की थी, ये बैंगन की पत्तियाँ और ये प्याज और लहसुन के सूखे हुए छिलके मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इन सभी के छोटे छोटे पीसेस करके मैं अपने पहले वाले थैले में भर देता हूँ, क्योंकि दूसरे वाले थैले में भी हम फर्स्ट टाइम कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कुछ बचा करके रखा हुआ था हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल, ये सारा मैं इस पहले दूसरे वाले थैले में पलट दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी इस हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल की, उसके बाद हमें इस मटेरियल की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हमें आगे किस तरह से बनाना है। दूसरे दिन भी मेरे पास कुछ किचन वेस्ट है, जिसमें कि आलू और कुछ गार्डन वेस्ट, कुछ घास फूस, कुछ प्याज के छिलके, ये सभी है मेरे पास। तो मैं इन सब को भी अपने उसी दूसरे वाले बैग में ऐड कर लेता हूँ। दूसरे वाले बैग में भरने के बाद हमें कुछ आवश्यकता होगी हाफ डी कम्पोस्ट मटीरियल की। तो क्योंकि हमने सारा मटीरियल अब अपने इस दोनों बैगों में डाल दिया है, तो मैं हाफ डी कम्पोस्ट मटीरियल कहाँ से लाऊँगा। ये जो मेरा पहले वाला बैग है इसको आज रखे हुए को तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं, तो ये आधा गल चुका है, यानी कि आधा कंपोस्ट बन चुका है और आधा ये अभी कच्चा है। तो यानी कि ये हाफ डी कंपोस्ट के रूप में मैं इसको इस्तेमाल में लेने वाला हूँ। तो मैं करूँगा क्या, पहले वाले बैग में से जो ऊपर ऊपर हमने मटेरियल डाला था उसकी मुठिया भर भर के मैं इसे दूसरे वाले बैग में डाल दूँगा। तो इसका हमें प्रॉफिट ये होगा कि पहले वाले बैग में जो मटेरियल हमारा ऊपर था वो दूसरे बैग में नीचे आ जाएगा, और जो मटेरियल नीचे था वो मटेरियल ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आपकी जो कंपोस्ट है वो ऊपर नीचे होती रहेगी और जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो कुछ दिनों तक हमें यही प्रक्रिया दोहराते रहना है, यानी कि जो फ्रेश किचन वेस्ट होगा वो हमने दूसरे वाले बैग में डालना है, और जितना हम किचन वेस्ट डालेंगे उससे दुगनी मात्रा में हम पहले वाले बैग में से निकाल के अपने इस दूसरे वाले बैग में भरते जाएंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि ये दूसरे वाला बैग पूरा फुल ना हो जाए। फाइनली ये हमारा दूसरे वाला बैग पूरा फुल हो चुका है, और जो पहले वाला बैग है आप देख सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा ही मटेरियल बच चुका है। तो मेरे पास कुछ ये घास के टुकड़े और कुछ भिंडी के टुकड़े थे, वो मैं इस्तेमाल में लेने वाला हूँ। और पहले वाले बैग में जो हमने नीचे नीचे पहले दिन अब मटेरियल डाला था, यानी कि कुछ मटर के छिलके, कुछ मेथी के, वो सभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो चुके हैं। अभी 10-12 दिन और लगेंगे इसको डिकम्पोज होने में, तब तक हमारी ये जो कंपोस्ट है वो पूरी रेडी हो जाएगी। तो वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस भी इसी ही वीडियो में बताऊंगा।
तो जब तक हमारी ये वीडियो चल रही है तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। इस घास फूस के मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। टुकड़े करने के बाद मैं अपने इस थैले में भर देता हूँ और जो बाकी का भी मटेरियल है जो मेरा पहले वाले बैग में था वो सारा ही मैं इसी में डाल के ये दूसरे वाले बैग को बिल्कुल फुल भर के रख देता हूँ। कंपोस्टिंग का आज हमारा लास्ट डे है, तो जो हमारा पहले वाला थैला था उसमें से मैंने लगभग सारा मटेरियल निकाल के दूसरे वाले बैग में भर लिया है और थोड़ा सा मटेरियल अभी बच चुका है। और जो मेरा दूसरे वाला बैग था वो अभी पूरी तरह से फुल नहीं हुआ है, तो उसको फुल करने के लिए मेरे पास अभी किचन वेस्ट तो कुछ है नहीं, इसलिए मेरे पास एक पुरानी कॉपी पड़ी थी मैंने उसको फाड़ लिया है और कुछ गार्डन में से जो घास फूस निकलता है उसके भी टुकड़े में उसको भी मैं अब किचन वेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। इन सभी को मैं अपने इस दूसरे वाले थैले में ऊपर ऊपर भर देता हूँ। तो ये सारा वेस्ट इसी बैग में डालने के बाद जो मेरे पहले वाले थैले में थोड़ा सा हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल बचा हुआ है वो भी मैं इसी के ऊपर उल्टा दूंगा। तो फाइनली आज 20 दिन हमें हो गए हैं दोनों थैले भरने में, तो 20 दिन के अंदर हमारी कंपोस्ट लगभग 50-60% बन चुकी है। तो इसे 10-12 दिन और रखेंगे और हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो इसको कंपोस्ट को भी रखना कहाँ है, हमें इसको छायादार जगह में रखना है जहाँ पर धूप बिल्कुल भी ना आती हो, और अगर बारिश वगैरह आ जाए तो हमें इसको किसी पॉलीथीन से कवर कर देना है ताकि बारिश का पानी भी इसके अंदर ना जा सके। अगर बारिश का पानी इसके अंदर चला गया तो कीड़े वगैरह पैदा हो जाएंगे और जो साथ में हमारा ये न्यूट्रिशंस है कंपोस्ट के वो भी बह के पानी के साथ निकल जाएंगे। और अगर पानी हमें ज़रूरत पड़े तो इसमें डालना है, नहीं तो ये वैसे मॉइस्ट ही रहती है। तो इसी बीच हमने करना क्या है कि 3 या 4 दिनों के अंतराल में जो सरसों की खली होती है उसका भी इस्तेमाल हमने करते रहना है। सरसों की खली जो है कि इस कंपोस्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, और अगर हम सरसों की खली डालेंगे एक तो हमारी ये कंपोस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएगी और इस कंपोस्ट की न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाएगी। सारा वेस्ट हमने इस थैले में डाल करके और ऊपर से जो हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल हमारा पहले बैग वाला बचा हुआ था वो हमने इस दूसरे वाले थैले में भर करके इसको बंद करके ऊपर किसी ईंट से वजनदार चीज़ से हमने इसको ढक करके छायादार जगह में रख दिया है। तो अभी 10-15 दिन ये यहीं पर रहेगा। 10-15 दिन के बाद मैं आपको आगे का अपडेट दिखाता हूँ कि हमारी कंपोस्ट का क्या हाल अभी चल रहा है। आज 10-12 दिन के बाद मैं अपनी कंपोस्ट देखने आया हूँ। जो थैला हमने फुल भर के रखा हुआ था वो आप देख सकते हैं कि वो थैला आधा हो गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम कंपोस्ट बनाते हैं तो अपने कंपोस्ट बिन को पूरा भरते हैं और कंपोस्ट बनने के बाद वो स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि कंपोस्ट हल्की होती है और वो नीचे बैठ जाती है। हमारी कंपोस्ट लगभग तैयार है। इस पूरे 30-32 दिनों के अंतराल में मैंने इसमें पानी का और धूप का कुछ खास ध्यान रखा है और हर 4-5 दिन के बाद मैं इसमें सरसों की खली डालता रहा हूँ, जिस वजह से मेरी जो कंपोस्ट है वो बहुत ही फास्ट और जल्दी तरीके से बन जाती है। अब ये मेरी कंपोस्ट लगभग तैयार है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे यूज़ नहीं करूँगा। मैं यूज़ करने से पहले इसकी छनाई करूँगा, क्योंकि छनाई करने का ये होता है कि जो बिल्कुल प्योर कंपोस्ट होती है जो पूरी तरह से डीकंपोस्ट मटेरियल हो जाता है वो छनके हमारे पास आ जाता है, और जो थोड़ा बहुत हाफ डीकंपोस्ट होता है जो पूरी तरह से कंपोस्ट नहीं हुआ है उसको हम कंपोस्ट करने के लिए अगले नेक्स्ट राउंड में डाल देते हैं। कंपोस्ट को छानने से पहले इसको 24 घंटे की धूप लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको छत पे सुखा करके मैंने एक पॉलीथीन बिछा दिया और सारी जो हमारी कंपोस्ट है वो मैंने इस पॉलीथीन के ऊपर खिला के रख दी है। अब 24 घंटे की धूप जैसे ही लग जाएगी उसके बाद इस सूखी हुई कंपोस्ट को हाथ से हल्का हल्का दबा दीजिए और मसल दीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि जो आपको कंपोस्ट होती है उसको छानने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर ये मोटे मोटे ढेले कंपोस्ट में रहेंगे तो ये छन नहीं पाएंगे और ये हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल में आपसे अलग हो जाएंगे। ये भी लगभग कंपोस्ट ही बने हुए हैं, इसलिए कंपोस्ट को हाथ से एक बार जरूर हल्का हल्का दबा दीजिए। अब सारी कंपोस्ट को छान लेने के बाद हमारे पास ये हाफ डी कंपोस्ट मटेरियल बच गया है। ये दरअसल वही मटेरियल है जो हमने स्टार्टिंग में कंपोस्ट बनाने के लिए कंपोस्टर स्टार्टर के रूप में हमने इस्तेमाल किया था, और दूसरा छनाई के बाद ये प्योर कंपोस्ट
हमारे पास बच चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैसे चाय पत्ती के दानों की तरह भुरभुरी कंपोस्ट है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक गुणों से भरपूर है। इस कंपोस्ट में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप ही ऐसे इस तरह से ये कंपोस्ट अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे बहुत से वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।